विदेशी नंबर से मैसेज और कॉल कर सोशल मीडिया पर फिरियादी के खिलाफ एक युवक द्वारा अश्लील बातें फैलाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ ने अधिक जानकारी साझा की। एक ओर जहां सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर लोगों को मुसीबतों में डाल देते हैं। शहर में ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ। फिरियादी लड़की से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसे एक अननोन विदेशी नंबर से मैसेज और कॉल आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिस दौरान पहले तो आरोपी ने वो फिरियादी को प्यार करता है ऐसा बताया, लेकिन जब फिरियादी ने उसकी सारी बातों से इनकार किया तब आरोपी ने उसे अलग अलग नंबर से कॉल कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ फिरियादी को ही कॉल किया बल्कि उसके परिजनों को भी फोन कर परेशान करना शुरू कर दिया। इतने पर ही ना रुकते हुए उसने सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में अश्लील बातें फैलाना शुरू कर दिया। इस संबंध में सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ और फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। बाइट वन फिरियादी, बाइट टू केशव वाघ, सहायक पुलिस निरीक्षक। कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं जस्ट बैठी थी तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया एक अननोन पर्सन का। उसका नंबर कुछ स्टार्टिंग था 828 समथिंग प्लस वन ऐसा कुछ, तो मैंने उसको ट्रू कॉलर में सर्च किया तो वो कुछ अलग ही कुछ दिखाने जाता, US वगैरह का दिखा जाता लोकेशन। सो मैंने उतना गौर नहीं किया, मुझे लगा कोई भी ऑनलाइन नंबर होगा। सो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे फ्रेंड्स में से, तो मैंने उसको बोल दी कि अपना काम कर, आलतू फालतू टाइम पास मत कर, सकते ब्लॉक कर दी। तो उसने फिर से सेकेंड मिनट कुछ मंथ्स के बाद फिर से उसने मैसेज किया और क्या कर रही हो फिर, और उसमें वो गंदी गंदी बातें करने लग गया कि तुम मीन्स एक रात के लिए मिलो तुम्हें जितने पैसे देना चाहिए मैं दे दूँगा ऐसा वैसा। सो आई सेड कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है कि तुम ऐसे लड़की को परेशान करते हो। सो मैंने उसको ऐसे ही गालियाँ दे दी थी और फिर से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो फिर उसने थर्ड टाइम फिर से मुझे वही सेम ऐसे US वाले नंबर से मैसेज किया, उसमें उसने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया ये ब्लॉक करके। सो मैंने बोली कि क्या कर लेगा, जो करना है कर ले करके। तो देखती जा बोले मैं क्या क्या कर लूँगा, मेरे पास तेरी सारी डिटेल्स है, ईमेल है, तेरे कॉन्टैक्ट्स है और सारे फ्रेंड लिस्ट मुझे पता है बोले। सो मैं थोड़ा सा घबराई थी, बट कर भी क्या लेंगे, अब तो मुझे पता है कि व्हाट्सएप का भी हैक नहीं हो सकता, एनक्रिप्शन उस मीन्स ऑलरेडी है प्राइवेसी। सो मैंने उतना लोड नहीं लिया और मैंने उसको वही बोल दिया कि हिम्मत है तो दम है, तो जो करना है कर, मैं नहीं डरती ऐसा बोल के मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने फोर्थ टाइम मेरे सिस्टर को, मेरे मम्मी को और मेरे दो तीन जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको मैसेज करके बता रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है और ऐसी फालतू बातें, अपने भाई के साथ सो रही है वो, मीन्स मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ ना स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आई हूँ बाहर, तो वही फालतू की चीज़ें अपने मीन्स मेरे फ्रेंड्स लोगों को बताने लग गया। हाँ, सध्याचा एक गरम इशू आहे कि महिलांना इंटरनेटच्या माध्यमातून, वेगळ्या ॲपच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्रास देण्यात येतो। व्हॉट्सअपवरून अननोन नंबर असतात, विदेशी नंबर असतात, यावरून त्यांना कॉलिंग होते आणि त्यांना त्रास दिला जातो, फोटो पाठवून, त्यांना शिवीगाळ करून किंवा एखाद्या इंस्टाग्राम, फेसबुक अशा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना नकली अकाउंट करून शिवीगाळ केल्या जाते। हा एक प्रकार आहे। या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी महिलांनी बिनधास्त सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये आपल्या एक फक्त आधार कार्ड आणि जे संबंधित स्क्रीनशॉट आहे ते घेऊन आणि जर एखाद्या फेसबुकवरून होत असेल तर त्याची लिंक ताबडतोब घ्यावी आणि ती लिंक कॉपी करून ठेवून द्यावी आणि त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवावेत। हे घेऊन जर सायबरकडे तुम्ही आलात तर निश्चितच आम्ही गुन्हेगारापर्यंत पोहोचू आणि तुम्हाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू। महिलांनी याबाबत अनोळखी जे लोक असतात जे आपल्याला त्रास देऊ इच्छितात त्यांना ताबडतोब ब्लॉक करायला पाहिजे। इस दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ ने महिलाओं से ऐसी चीजें होने पर निश्चिंत होकर इस संदर्भ में साइबर पुलिस में शिकायत करने की अपील की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।